सो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ वीवो फ़ोन में नेटवर्क सेटिंग कैसे करनी है। मतलब जब आप एक सिम से इंटरनेट चला रहे हो तो आप दूसरी सिम से नेटवर्क कैसे चलाना है, और यहाँ पर आपको ये भी बताऊँगा, आप अगर आप किसी को कॉल करते हो तो आपको एक नंबर से कॉल हो रही है, आप दो नंबर से कॉल कैसे करनी है, और जब आप दो नंबर से कॉल करते हो तो आप एक नंबर से कैसे कॉल करनी है, जब आप कॉल करते हो तो आपको ये पूछ ले तो एक नंबर से कॉल करनी है या दो नंबर से कॉल करनी है। मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जैसे आप एक सिम से नेटवर्क आप मतलब नेट को दूसरी सिम से आप चलाते हो तो एक सिम बंद हो जाती है, मैं उसके बारे में भी आपको इसमें बताने वाला हूँ। मैं आपको ए टू जेड इसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो का लाइक आया मैं 50 लाइक आपने करवाने हैं, मुझे बता 100% आप बात होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट, यहाँ पर आपको सिम की सेटिंग करने के लिए, नेटवर्क सेटिंग करने के लिए आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे सिम कार्ड एंड नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, मोबाइल नेटवर्क लिखा हुआ है, तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल डाटा आ जाएगा, तो जहाँ से आपकी जो नेट है, इंटरनेट है, वो ऑन हो जाएगा। उसके नीचे देखोगे तो जब आप यहाँ इंटरनेट चेंज करना है, मतलब एक नंबर से दो नंबर पर करना है, तो जहाँ पर आपको क्लिक करना है मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल डाटा पर दो नंबर पर क्लिक करना है। तो जहाँ पर नेट चलाना है तो दो नंबर पर क्लिक कर दो, अगर एक से चलाना है तो एक नंबर पर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पर आप ऐसे इसको चेंज करवाओगे, उसके बाद जहाँ पर आपको नीचे देखोगे आपका फ़ोन कॉल का यहाँ पर आ रहा है। जब आप फ़ोन कॉल करते हो तो जहाँ पर परमानेंट एक नंबर से कॉल होनी चाहिए या आपकी दो नंबर से कॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पर आप दे सकते हो, अगर आप एक नंबर से ही कॉल करना चाहते हो तो पक्की, मतलब आप दो नंबर से नहीं करनी कभी भी कॉल, तो आप यहाँ पर एक नंबर पर सिलेक्ट कर लो ये सेटिंग। जब भी आप कॉल करोगे तो सीधे एक नंबर से ही कॉल होगी दूसरे बंदे को। ऐसे ही अगर आप दूसरे नंबर पर कॉल करना चाहते हो परमानेंट, तो सिंपली यहाँ पर आपको दो नंबर से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पर दोनों नंबर से कॉल करना चाहते हो, मतलब एक नंबर से कभी, दो नंबर से कभी कभी, ऐसे आप आस्क एवरी टाइम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखोगे जहाँ पर सिम वन लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पर आप इसके ऊपर आपको क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप यहाँ से सिम को बंद भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं ज़रूरत सिम की, मतलब जब आप सिम को बंद करना चाहते हो जहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो, नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहां से इसको चलाना चाहते हो तो यहां से इसको चला भी पाओगे। उसके बाद यहां पर आपको सिम का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, ऑप्शन दिया है। उसके बाद नंबर यहां पर कोई अपना ऐड कर सकते हो, उसका नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अदर स्टेट में जाते हो, मतलब जहाँ कोई भी दूसरे स्टेट में जाते हो, तो आपका इंटरनेट बंद हो जाता है। इंटरनेट बंद होने का कारण यह है कि आप रोमिंग जो है वो ऑफ होती है, तो जहाँ पर आप इसको ऑन कर लेनी है रोमिंग, अगर आपके फ़ोन में ऑफ है, अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो। उसके नीचे देखोगे अगर आपके पास इंटरनेट यूज़ हो रहा है, ठीक है, कौन सी ऐप इंटरनेट ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो सारा कुछ आपको ये बता देगा। ऐप डाटा यूज पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल आपको दिखा देगा, ये ऐप्स इतने एमबी ले रही है, ये ऐप इतने एमबी ले रही है। तो जहाँ पर आप देखोगे, जैसे मेरी बैटरी ग्राउंड यहाँ पर मैं चल रही थी 343 MB ये ले रही है, उसके बाद नीचे देखोगे 203 MB ये यूट्यूब ले रही है, तो सारा कुछ आपको ये बता देगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ मैं बाय करूँगा, बाय करने के बाद जहाँ पर आप देखोगे नीचे प्रेफर नेटवर्क टाइप, तो जहाँ पर आपको 4G रहने देना है, क्योंकि जब 4G होगा तभी नेट स्पीड आएगी। तो जहाँ पर आप जो भी करना चाहते हो जहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शन दिया कंपनी ने। उसको जहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट नेटवर्क, जहाँ पर आप इसको ऑन ही रहने देना है, अगर आपका नेटवर्क आ रहा है तो इसको ऑन ऑटोमेटिक ही करना है। अगर आप जहाँ पर खुद ही सर्च करना चाहते हो, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा तो इसको बंद करके आपको सिलेक्ट
कर देगा। आपका जो भी आपके पास जो भी नेटवर्क आता होगा, आइडिया, वोडाफोन, BSNL जो भी होगा आपके पास, वो यहाँ पर आपको शो कर देगा। कई बार ऐसा करना ही पड़ता है अगर आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक पर ही कर दो, ठीक है। इसके बाद नीचे देखोगे एक्सेस पॉइंट, इसको नहीं छेड़ना, जो ऑटोमेटिक कंपनी देती है एक्सेस पॉइंट, ठीक है, ऑटोमेटिक सेव होता है। उसको नीचे देखोगे वाईफाई कॉलिंग है, ठीक है। अगर आपके आपको नहीं पता वाईफाई कॉलिंग ये क्या है, तो आपको मैं इसके अलग एक वीडियो बना दूँगा, उसके ज़रिए मैं आपको समझा लूँगा क्या चीज़ है ये वाईफाई सेटिंग, ठीक है। उसके बाद कैरियर वीडियो कॉलिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको मैं बता दूंगा अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि बैक करना है दूसरी सिम पर, जहाँ पर आप दे सकते हो दूसरी सिम से भी ऐसे ही आपको सारा कुछ मिल जाएगा। वोल्टी ऑन ऐसे ही, इसमें सिर्फ अलग ये सेटिंग है वोल्टी ऑन, इसको ऑन ही रखना है, तभी आपका जो नेटवर्क वॉइस कॉल क्वालिटी है वो अच्छी आपको मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, मतलब इंटरनेट दूसरे नेटवर्क से आते हो, तो कई फ़ोनों में ऐसा होता है कि एक नेटवर्क 4G चलता है, दूसरा नेटवर्क 3G चलता है, 2G या 3G चलता है, ठीक है। उसकी वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम आती है, मतलब जब आप ऐसे, मतलब मान लो एक जियो सिम है और एक एयरटेल सिम है, ठीक है, आप जियो सिम से एयरटेल सिम पर स्वाइप करते हो, ठीक है, एयरटेल सिम 4G हो गया तो ऑटोमेटिक जो जियो सिम है वो 3G या 2G हो जाएगा। 2G या 3G उनके पास नेटवर्क नहीं है, इसलिए जो नेटवर्क है वो बंद हो जाता है, इसी कारण ऐसा होता है। तो आप कोशिश करो आप जियो में ही नेटवर्क अपना इंटरनेट डलवाया करो, ताकि आपकी जो दूसरी सिम है वो भी चलती रहे और ये भी चलती रहे, तो ऐसे आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।